नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अजा एकादशी जो कि 3 सितंबर की है और बहुत ही उत्तम चमत्कारी एकादशी होती है। ये अनजाने में कई बार हमसे बहुत ज़्यादा भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, जिसका हमें आभास नहीं होता और अंदाज़ा भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, सब कुछ अच्छा ही किया, लेकिन कई बार हमसे ही चूक हो जाती है और वो भी अनजाने में। लेकिन जब भी कोई गलती गलती ही होती है, जब भी आपसे होती है या हमसे होती है, उसका हर्जाना तो बहुत नहीं पड़ता है। कभी भी हमारी ज़िंदगी में जब अनजाने में कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका भी निवारण बहुत ज़रूरी होता है। वो अनजाने में छोटी 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 गलतियां जो जुड़ती हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है और हमारी ज़िंदगी में कई बार इतने हर्डल्स, इतनी रुकावटें पैदा कर देती है कि हमें बहुत सारे उपायों के बाद भी ऐसे लगता है कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बट उसका निवारण क्या है, हल क्या है? उसका हल ये है कि जब भी कुछ ऐसे इवेंट आते हैं, खास करके एकादशी व्रत आते हैं या फिर कोई खास चमत्कारी व्रत आते हैं, कुछ खास मुहूर्त आते हैं, तो वहाँ उनका निवारण, उनका उपाय, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। 3 सितंबर की अजा एकादशी कुछ ऐसी ही चमत्कारी है। यानी अगर आपसे कहीं भी चूक हुई है और जिसका हर्जाना आप अभी तक भुगत रहे हैं या फिर जिसकी वजह से आप अपनी किस्मत में थोड़े से पीछे होते जा रहे हैं, तो आपको इस अजा एकादशी पर कुछ खास समय पर कुछ खास उपाय करना है। भगवान विष्णु की आराधना तो की ही जाती है, ये सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करना एकादशी में खास संयोग होता है, योग होता है और उसका खास आपको लाभ भी मिलता है। लेकिन अजा एकादशी के समय पर भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ कोई खास समय है जहां आपने कुछ खास विधियां करनी है, वह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अजा एकादशी में मुहूर्त समय, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट लाभ होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ खास चीज़ें बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। यानी हम कई बार उपाय करते हैं और हमें लगता है थोड़ा डिले में हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब सटीक समय पर कुछ उपाय करते हैं तो उसका लाभ हमें जल्दी मिलता है। वैसे तो बहुत सारी एकादशियाँ होती हैं, उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट एकादशियाँ भी होती हैं, जैसे हरिशयनी एकादशी होती है और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ आपको लगता है कि बहुत हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन अजा एकादशी में आप हमेशा विजय की तरफ बढ़ेंगे, यानी आपकी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं आएगी, आपका जीवन कष्टों से भरा हुआ नहीं, सुखों से भरा हुआ बनने लगेगा। और साथ के साथ जो आपको गिल्ट कई बार हमें दिमाग में रहता है कि हमारी वजह से ऐसा कुछ हो गया किसी के साथ, वो गिल्ट, वो अंदर की तकलीफ आपकी दूर हो सकती है। 2 सितंबर 6:22 से एकादशी तिथि शुरू होगी और ये एकादशी तिथि 3 सितंबर को 7:45 सुबह 7:45 सुबह में ये तिथि जो है एकादशी तिथि वो संपन्न होगी। यानी जब आप सूर्य उदय के पास जा रहे हैं तब आपके पास एकादशी तिथि है, तो ऐसे में आपने एक तो एकादशी तिथि का जो व्रत है वो आपने 3 तारीख का रखना है और दूसरी बात उसी में कुछ खास मुहूर्त है जिस मुहूर्त का लाभ आपने ज़रूर लेना है। 12:01 से लेकर के 12:50 का समय, ये जुड़ता हुआ जब भी पहर कहीं मिलता है हमें, यानी 2 तारीख को भी और 3 तारीख को भी, ये समय बड़ा चमत्कारी समय है। ये दोनों दिन का समय ऐसा उत्तम समय है जब आप कुछ भी विश मांगेंगे एक आपकी पूरी होगी। तो आप मांग के देखिएगा, विश भगवान भोलेनाथ को तो आपने स्मरण करना ही करना है, क्योंकि सृष्टि का जितना कार्यभार है वो आपको मालूम है कि भगवान भोलेनाथ के परिवार के पास चल रहा है। जब तक आपके हरिशयनी जो है वो जाग नहीं जाते हैं, क्योंकि निद्रा अवस्था में है 4 महीने के लिए, तो तब तक तो आपने भगवान भोलेनाथ की भी आराधना ज़रूर करनी है और भगवान विष्णु की आराधना भी आपने ज़रूर करनी है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु से आपने जो विश मांगनी है वो इस समय थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा,
शांत होकर के बैठिएगा, भगवान का स्मरण कीजिएगा और उसके बाद आप इस विश को मांगिएगा, जो विश आप चाहते हैं कि आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। समय रहेगा दोपहर का 12:01 से लेकर के 12:50 का, यही समय है जहां आपने 2 तारीख को भी पूजा करनी है और 3 तारीख को भी पूजा करनी है। ये दोनों समय आपके जीवन में एक खास चमत्कार करेंगे। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले रुद्राक्ष की माला लेकर के रखनी है। मैं भी बताऊंगी कि आपको कितना मंत्र करना है, क्या मंत्र करना है और कैसे करना है। तो रुद्राक्ष की माला का भी आपने आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो दूसरी माला से जाप कर सकते हैं क्या, हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, आपने रुद्राक्ष की माला पर ही जाप करना है। यही आपको लाभ देगी और यही आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग रास्ता, अमेजिंग वेद आपके लिए तैयार करेगी। तो एक तो सबसे पहले समय हमने आपको बताया और दूसरा आपने जो मेन चीज़ है वो होनी चाहिए आपके पास रुद्राक्ष की माला। गोधूली वेला यानी शाम का जो ऐसा चमत्कारी समय है, लगभग 6 बजे के आसपास से शुरू होगा और 6:30 तक का रखना है। 6 से 6:26 तक है वैसे, लेकिन 6:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय भी आपने ज़रूर करना है। एक सुबह का समय जो दोपहर का हमने बताया है 12:01 का समय, और दूसरा समय है शाम को 6 बजे से लेकर के 6:30 तक का समय। और ये दोनों दिन का समय बता रहे हैं हम लोग, ये 2 तारीख का समय भी है और 3 तारीख का समय भी है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बनते, बाकी सबके काम बन जाते हैं, लेकिन कई बार ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमारी पूजा में भी कमी रह जाती है, हमारे अंदर भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है कि वो चीज़ हमें ही नहीं मिलती, सामने वाले को मिल जाती है। यानी पूजा एक ही जैसी करते हैं सारे, लेकिन फल किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो कहीं तो श्रद्धा में थोड़ी सी कमी चूक हो रही है। अब जैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्कूल में वही स्टूडेंट्स पूरी क्लास में होते हैं, कम से कम अगर 50 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है तो हर स्टूडेंट को एक ही जैसा पढ़ा रहा है, तो फिर उनमें से 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट ऐसे चमत्कारी रिजल्ट कैसे देते हैं, उन्होंने भी तो उन्हें उसी टीचर से ही पढ़ा होता है। बट कॉन्सेंट्रेशन की जहाँ प्रॉब्लम आती है, वहीं सेम चीज़ हो जाती है कि आपकी श्रद्धा की प्रॉब्लम आ जाती है। आप श्रद्धा से कोई काम नहीं करते, इसलिए आप रिजल्ट से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना कि गोधूली वेला होनी चाहिए। दूसरा, आपने दोपहर का 12:01 का जो समय हमने आपको बताया है, ये पूरा टाइम आपने ध्यान रखने हैं। फिर आती है सर्वार्थ सिद्धि योग। योग के अंदर जब किसी काम को हम करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। वो है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर के लगभग ये शाम के 4:30 तक का समय है। अब देखिए आपको 3 तारीख के बीच का समय भी मिल गया, और शाम को गोधूली वेला तो वैसे ही चमत्कारी होती है, उसमें आपको किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी खास टाइम को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके पास 3 ऐसे चमत्कारी समय मिल रहे हैं जहाँ आप अपनी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लेकर के आपने सबसे पहले ओम नमः शिवाय के 27 बार जाप करना है, ओनली 27 टाइम। अगर आपके पास 108 मनके वाली माला है या फिर खुले रुद्राक्ष लेकर के 27 टाइम जो जाप करना है आपने, 27 मनके की माला बना लीजिएगा। तो 27 टाइम से ही आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपने भगवान विष्णु की आराधना करना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, ये भी 27 टाइम्स मंत्र का जाप करना है। तो ये 2 मंत्र जो हैं जो आपने जाप करने हैं, और उसके बाद यही माला आपने अपने पास रखनी, लेकिन शाम को गोधूली वेला में लगभग 6 बजे से लेकर के 6:26 तक है, लेकिन आप 6:30 तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो शाम को भी आपने सेम यही उपाय करना है, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना है, 27 बार करना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, ये भी 27 बार करना है, और सेम प्रोसेस को अगले दिन रिपीट करना है, दोपहर का भी और शाम का भी। और
अगर आपको यकीन मानिए कोई ऐसा काम जो आपको इतना इरिटेट कर चुका है कि अब तो ये काम होना ही नहीं है, वो काम भी कड़े से कड़ा काम भी आपका हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी ना कि क्यों सब स्टूडेंट्स उतना ही स्कोर नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ना मैनिपुलेट करना शुरू कर देते, कोई हमारा बच्चा ना थोड़ा सा स्लो है पढ़ने में, बाकी चीज़ों में तो स्लो नहीं है वो, तो इसका मतलब उसका माइंड तो बहुत वर्क करता है, तो हम कंपैरिजन फिर गलत करने लगते हैं कि नहीं उसका काम हो जाता, कुछ और उपाय बताया होगा उन्होंने, कुछ और किया होगा, कुछ नहीं किया होता, उन्होंने भी यही उपाय किए होते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जब भी हम नेगेटिव सोचने लगते हैं आप उतना ही रिजल्ट से पीछे हो जाते हैं। किसी भी बात में नेगेटिविटी का आना आपकी ज़िंदगी से उस सक्सेस को दूर करना है जिसे आपने बनाने के लिए जाने कितना समय आपने अपना डिवोट किया होता है। तो इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, उपाय पूरी श्रद्धा से अपने पूरा दिलो जान से करने हैं और साथ के साथ भगवान के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास वो ताकत होती है जो आपके लिए बड़ी से बड़ी रुकावटों की चट्टान को ढेर कर सकती है, तो इसीलिए अपने विश्वास को हमेशा भगवान के ऊपर बनाए रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा